बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर पोएम दैट इज द डिलाइट सॉन्ग। इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस इन फर्स्ट ईयर। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंड द पोएट ऑफ द पोएम इज द एन स्कॉट मामाडे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन इंग्लिश एंड देन इन उर्दू। इट इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। द पोएट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स। ही सेज दैट He is a feather in a blue horse, for a shiny fish, a shadow of a child, an evening light, and eagles, and a cluster of bees, far off stars, the crowd of the morning, the sound of rain, a shine on the snow, the track of moon on the water, and the flame of the four color. He sees that he is alive. He has relation with the earth and the lord of the earth. He has relation with all beautiful thing and fruitful thing. So he is discussing about the main idea. So we will discuss about in Urdu. ये खुशी का गीत है और एक सुरीला गीत है। शायर फितरत की रानाइयों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फितरत के तमाम दिलकश चीज़ों से रिश्ता जोड़ता है। शायर खुद को खुले आसमां में उड़ता हुआ पर जो है कहता है, ये शायर के मनमौजी होने की दलील है। शायर अपनी ताकत और पाकिजगी का इजहार खुद को नीला घोड़े से कहकर करता है। शायर अपनी खुशी और शोखी को जहर करने के लिए खुद को पानी में तैरती हुई चमकदार मछली कहता है। शायर अपनी आज़ादी, जोश और खिलंडरी तबीयत का जहर करने के लिए खुद को बच्चे की परछाई कहता है। शायर अपने आबोताब और नफासत जहर करने के लिए खुद को सब्जाजार हज़ारों में फैली हुई रोशनी और शाम की शफीक कहता है। अपनी खुशी की मिराज जहर करने के लिए वो खुद को हवा से खेलता उकाब कहता है। अपनी कद्र कीमत और चमक धमक जहर करने के लिए वो खुद को मोतियों की माला करार देता है। अपनी रुफत और शान को जहर करने के लिए वो खुद को इंतहाई बुलंदी का सितारा करार देता है। अपनी ज़हनी आसूदगी जहर करने के लिए वो खुद को शहर की ठंडक करार देता है। इसके अलावा कहता है कि वो बारिश की मौसीकी, बर्फ़ की चमक, झील का चांद, रास्ता और चारंगी शोला है। शायर जिंदा दिल है और पुरजोश है। इस दुनिया के नवाबों से उसका रिश्ता है। इस दुनिया की हर हसीं और समर आवर चीज़ से उसका रिश्ता इस्तवार है। तो अब हम जो है इस पोइम्स के जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। दिस इज रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। रेफरेंस इज any stanza which is taken from this poem, you can write this reference to the context. These lines have been taken from the poem The Delight Song by N. Scott Mounaday. Context would be the same. The things that keeps a person alive with the harmony with all that is pleasing, soothing and inspiring. He lives a happy life with his stand in a good relation to the earth. He lives on the beautiful things that please him. अब हम इस कंटेक्स्ट उर्दू में भी देख सकते हैं कि वो चीज़ जो उस इंसान को एक ज़िंदा रखती है वो हम आंगी है, और वो हम आगे क्या है कि उसको खुशियाँ देती है, सुकून देती है और जज्बा उसका बढ़ाती है। वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उसकी अच्छे ताल्लुकात जो है दुनिया के नवाबों के साथ हैं और दुनिया के साथ हैं, नेचर के साथ हैं और दुनिया की खूबसूरत चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक है, इसलिए वो ज़िंदा है। नो जम्प टू द फर्स्ट स्टंजा। That is, I am a feather on the bright sky. I am blue horse that run in the plain. I am the fish that rolls shining in the water. अब इसको उर्दू में देखते हैं। मैं रोशन आसमां पर एक पंख हूँ, मैं मैदान में दौड़ता हुआ नीला घोड़ा हूँ या मैं नीलगों का घोड़ा हूँ, मैं पानी में चमकते हुए लूट पूट मछली हूँ। So we will discuss about the explanation. The poet expresses his extreme joy through the various metaphor of unique object. अब writer जो है वो मुख्तलिफ किस्म के metaphor use करते हुए मुख्तलिफ object के साथ जो है enjoy करता है। He is overjoyed and feel happy in a harmony with the surrounding. वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी हम आंगी जो है अपने इर्द गिर्द के चीज़ों के साथ हो गई है। He feels himself like a feather flying in the infinite vastness of the sky. वो अपने आप को एक पंख कहता है जो आसमान की वस्तुओं के दरमियान उड़ता है। The feeling of the lightness, carefree and tension free attitude is visible in the line.
इस इन लाइंस में जो है हल्के फन का और इसके बाद जो है बगैर के एहतियात के और टेंशन से फ्री जो है होने के साथ साथ पाए जाते हैं। द फीलिंग ही फील्स हिमसेल्फ लाइक अ हॉर्स ऑफ गुड ब्रीड, वो अपने आप को जो है नीलगों का घोड़ा कहता है, दैट रन्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंडों के अंदर जो मुख्तलिफ मैदानों में दौड़ता है। एनर्जी एंड इंडिपेंडेंस आर द मेन फीचर विच द पोएट शोज हेयर, जहाँ पर एनर्जी और उसकी आज़ादी जो है वहाँ उसको पोएट जो है यहाँ ज़ाहिर करता है। ही फील्स हिमसेल्फ लाइक अ फिश, वो अपने आप को जो है एक मेटाफरिकली ये कहता है कि वो मछली की तरह है, दैट रोल इन द इन्फिनिट डेप्थ ऑफ वाटर इंडिपेंडेंटली एंड एन्जॉय इट्स लाइफ एंड इट्स पीक, जो उसकी पीक को और उसकी लाइफ को वो इन्जॉय करता है। इन दीज लाइन द पोएट गिव्स द मेटाफर ऑफ ऑल यूनिक थिंग्स, वो इस नेचुरल थिंग को जो है मेटाफर देता है। ही फाइंड्स इन द स्काई, जो कि वो स्काई में देखता है, वाटर में देखता है, एंड ऑन द अर्थ और जमीन के ऊपर देखता है। सो जंप टू द सेकेंड स्टैंजा, दैट इज आई एम द शेडो ऑफ द फॉलो अ चाइल्ड, आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मीरोज, आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं उस बच्चे का तकब करता हुआ साया हूँ, मैं चिरागाहों की चमक शाम की रोशनी हूँ, मैं हवा से खेलता हुआ उकाब हूँ। नो वी विल डिस्कस अबाउट, वी विल एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा, द सेकेंड स्टैंजा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। द पोएट यूजेज द मेटाफर ऑफ चाइल्ड शेडो, यहाँ पे शायर जो है वो बच्चे के साय को मेटाफरिकली यूज़ करता है, टू शो द रिलैक्सेशन एंड टेंशन फ्री एटीट्यूड, अपने आप को सुकून देने के लिए और टेंशन से फ्री, क्योंकि बच्चा जो है वो टेंशन फ्री होता है, उसको किसी सरोकार नहीं होता वो अपनी गेम के साथ। शेडो ऑलवेज फॉलो अ चाइल्ड, और जो साया होता है वो बच्चे की हरकतों को और बच्चों को उसका फॉलो करता है, पैरवी करता है। इट शोज द लाइट हाइट ऑफ इनोसेंस एंड फ्री मेटेरियलिस्टिक डिजायर, इससे यह जहर होता है कि वो बहुत इनोसेंस है और दुनियावी मादा परस्ती की जो डिज़ायर है उसके अंदर नहीं है। द पोएट फील्स हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एंड केयर फ्री लाइक अ चाइल्ड, वहाँ पे शायर जो है बहुत खुश है और पुरसकून है और बगैर किसी तकलीफ के है, जिस तरह बच्चा होता है। एंड वांट टू लाइक हीज शेडो फॉलोइंग हिम, और उसको ऐसे फॉलो करना चाहता है जैसे उसका साया होता है। एंड एन्जॉय द सेम हैप्पीनेस, और जिस तरह बच्चे की खुशी होती है छोटी छोटी, उसी तरह वो देना चाहता है। द पोएट यूजेज अ मेटाफर ऑफ इवनिंग लाइट, अब इवनिंग लाइट का भी वो मेटाफर यूज़ करता है, विच इज़ कम्फर्टिंग एंड ग्लोज द मीडोज ऑफ इट्स सूदिंग लाइट, कि उसकी पुरसकून रोशनी से क्या है कि वो मैदानों की सब्ज़गाहों को रोशन कर देता है, चिरागा कर देता है। द पोएट विजुलाइज हिमसेल्फ एज एन ईगल, पोएट जो है अपने आप को ईगल के साथ तशबीह देता है, दैट फ्लाइज इन द हाइट ऑफ द स्काई, जो आसमानों की बुलंदियों पर उड़ता है। द लाइन शोज द पोएट एटीट्यूड एक्सेप्ट अ चैलेंज, इसका मतलब यह है कि जिस तरह ईगल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो पोएट भी इसी तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने का आदि है। लाइन्स नंबर थ्री, स्टैंजा नंबर थ्री, आई एम क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीट, आई एम द फर्दर स्टार, आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं चमकदार मोतियों का गुच्छा हूँ, मैं इंतहाई दूर वाला सितारा हूँ, मैं सुबह सवेरे की ठंडक हूँ। सो कम टू द एक्सप्लेनेशन, द ग्लिटरिंग एंड ब्राइटनेस ऑफ द पर्ल इज प्रोवर्बियल्स, यहाँ पे जो है ग्लिटर और ब्राइटनेस जो है वो प्रोवर्बियल यूज किया गया है। द पोएट्स कॉल्स हिमसेल्फ अ ग्लिटरिंग ग्रुप ऑफ पर्ल्स, एक चमकते हुए क्या है कि पर्ल्स का ग्रुप अपने आप को जाहिर करता है। हु शाइन शो दैट द पोएट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जिससे यह जाहिर करता है कि पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश है। द डिस्टेंस थिंग अवे अपील एवरी वन, जो दूर की चीज़ खूबसूरत होती है वो हर आदमी को अच्छी लगती है। सो द पोएट्स कॉल हिमसेल्फ द डिस्टेंस स्टार दैट शाइन सॉफ्टली, पोएट अपने आप को क्या कहते दूर का सितारा कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरती से नजर आता है। इन द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जो नीले आसमान के अंदर जो है। द पोएट कॉल हिमसेल्फ द कोल्ड ऑफ डॉन, शायर जो है वो अपने आप को जो है ना सुबह की ठंडक कहलाता है, दैट हैज सूदिंग एंड कम्फर्टिंग अफेक्ट इन इट, जिसके अंदर जो है परे पुरसकून जो है असरात हैं। ही फील्स हिमसेल्फ द कोल्ड निब ऑफ द डॉन, वो सुबह की खुनकी को जाहिर करता है। ऑल द मेटाफर शो द डिग्री ऑफ पोएट हैप्पीनेस, इन तमाम चीज़ों से हमें यह जाहिर होता है कि पोएट बहुत ज़्यादा खुश है। स्टैंजा नंबर फोर, आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ स्नो, आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, मैं बारिश की आवाज़ हूँ, मैं कुदरती बर्फ की सख्त सतह से मुनक़िस शुदा रोशनी हूँ, मैं झील में चांद का तवील रास्ता हूँ। अब पोएट का स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है,
द पोएट फील्स हिमसेल्फ लाइक अ मेलोडियस साउंड ऑफ रेनफॉल, जिस तरह बारिश गिरती है और उसके गिरने से एक बहुत ज़्यादा मौसीकी पैदा होती है, उस तरह अपने आप को महसूस करता है। दैट क्रिएट ए म्यूजिकल इफेक्ट, जो कि एक मौसीकी के असरात जो है ना हमारे माइंड के ऊपर छोड़ते हैं। द पोएट फील्स लाइक अ शाइन ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्नो, वो जो बर्फ़ की चोटी पर जो बर्फ़ चमकती है रोशनी से, उस तरह अपने आप को महसूस कर रहा है। द मेटाफर परफेक्टली डिस्क्राइब द ब्राइट एंड ग्लोइंग लाइफ ऑफ द पोएट, इससे हमें ये सहर होता है कि पोएट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और वो चमक धमक है। द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लॉन्ग रूट ऑफ विच द मून सीम टू एंजॉय इट्स पेरमनाइड, हमें ऐसे लगता है कि जिस तरह हम चहलकदमी जो होती है मटर गश्त होती है मून के रास्ते पर जो न की जाती है, वो अपने आप को यहीं फूल खील करता है कि चांद के अंदर जो झील है और उसके साथ जो रास्ता है। द पोएट्स कॉल हिमसेल्फ द सीम ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्रैक, पोएट जो है अपने आप को वो खूबसूरत रास्ता कहता है जिसके ऊपर बंदा महजूज होता है। स्टंजा नंबर 5, दैट इज टू लाइंस, आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर, मैं चार रंगों पर मुश्तमिल एक शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग, मैं इन तमाम चीज़ों का जो है मुकम्मल ख्वाब हूँ जो इस शोले के अंदर पाई जाती हैं। नो एक्सप्लेन द लाइंस, द पोएट विजुलाइज हिमसेल्फ एज ए कलरफुल फ्लेम, वो जो है एक रंगदार शोले की तरह अपने आप को जो है इमेजिन करता है। द फोर कलर फ्लेम डिपेक्ट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ द पोएट, फोर चार जो है जो रंगों वाला जो है शोला जो है वो पोएट की मुख्तलिफ जिंदगी की जो है हिस्सों को बताता है। द पोएट एक्सप्रेसेस द एक्सट्रीम जॉय बाय यूजिंग द मेटाफर ऑफ यूनिक थिंग इन द सराउंडिंग, वो जो अपने अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं यूनिक होती है उसको मेटाफरिकली वो यूज़ करता है। ही फील्स हिमसेल्फ लाइक अ ड्रीम इन विच दीज यूनिक थिंग्स आर कम्बाइंड, वो अपने आप को जो है अच्छा महसूस करते हैं उन ख्वाबों में कि जिससे में यूनिक चीज़ में होना है उसको बहुत अच्छा लगता है। ड्रीम इज़ ऑलवेज बेटर देन रियलिटी, ख्वाब जो है वो हकीकत से बेहतर होते हैं। द पोएट कम्बाइंस ऑल यूनिक थिंग ऑफ रियलिटी इन द ड्रीम टू एनहांस द यूनिकनेस एंड कामनेस, पोएट जो है इन तमाम ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो है और रियलिटी में डालने के लिए जो है नेचर का सहारा रहता है और नेचर का अपने आप को पार्ट महसूस करता है और पुरसकून हो जाता है। लाइन स्टंजा 6, यू सी आई एम अलाइव आई एम अलाइव, आप देखते हैं कि मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ मैं ज़िंदा हूँ। आई स्टैंड गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरा जो ताल्लुक है वो बहुत ज़मीन के साथ बहुत अच्छा है। आई स्टैंड गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरा लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। सो एक्सप्लेनेशन स्टंजा नंबर 6, द पोएट अनफोल्ड द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, इन लाइन्स में जो है पोएट जो है खुशियों का राज बताता है। एंड कलरफुल लाइफ ऑफ द लास्ट लाइन, अपनी जो है लास्ट लाइन कलरफुल लाइफ के बारे में, दीज लाइन आर द सेंस ऑफ द पोएट, ये जो है उसका लाजमी जो है निचोड़ है उसकी पोएम का। द पोएट टेल अस द गुड रिलेशन विद हिज लैंड, कि वो अपनी ज़मीन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखता है। एंड सराउंडिंग इन और इसके इर्द गिर्द में इज़ द काज ऑफ एक्सट्रीम जॉय, उसकी खुशियों की जो बड़ी वजह है क्योंकि वो इर्द गिर्द के लोगों से बहुत अच्छी रिलेशन रखता है। हिज लव फॉर द लैंड रिफ्लेक्ट बैक इन द प्राइड, उसकी जो मोहब्बत है वो उसकी फ़खर से क्या है कि मुनक़िस होती है। द पोएट गिव द मैसेज दैट लव्स एंड अफेक्शन, पोएट जी हमें पैगाम देता है कि मोहब्बत के बारे में और खलूस के बारे में। फॉर वन कंट्री पे बैक, जो किसी भी मुल्क का फ्रॉम द पर्सन जाय हैप्पीनेस, कि वो उसकी ज़ाती खुशियाँ और उसके सुकून को वापस करने की नज़र में। जो द लास्ट स्टंजा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टैंड गुड रिलेशन टू ऑल दैट ब्यूटिफुल, मेरा खूबसूरत चीज़ों से अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, मेरा मुफीद चीज़ों के साथ अच्छा ताल्लुक है। यू सी आई एम अलाइव आई एम अलाइव, आप देखते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ मैं ज़िंदा हूँ। सो द एक्सप्लेनेशन आज देयर, द पोएट टेल अस दैट द लव ऑफ फेलो बींग इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय, शायर ये कहता है कि जो आपके साथी हैं उनके साथ मोहब्बत भी जो है वो मुकम्मल एक जो है खुशी का ज़रिया है। द पोएट थिंग्स अराउंड अस मेक अ हैप्पी, शायर जो है कुछ खूबसूरत चीज़ जो है हमें है बहुत ज़्यादा जो है खुश करती हैं। एज ए कीड सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, एक ऐसी खूबसूरती की चीज़ जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खुशी का बहस बनती है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, खूबसूरत सच जो है वो खूबसूरत जो है वो सच है। होप करेज ऑफ लाइफ, द पोएट हैज़ गुड कनेक्शन विद, हाँ पोएट का जो है बहुत अच्छा ताल्लुक है। एंड रिलेशन विद द यूजफुल कंस्ट्रक्टिव एंड बेनिफिशियल थिंग, वो जो है तमीराती
और इसके साथ साथ जो है फायदेमंद चीज़ों के साथ उसका बहुत अच्छा ताल्लुक है। द पोएट कंक्लूड द पोएम विच मैसेज विद द मैसेज, इस पैगाम के साथ शायर जो है इस नज़म को ख़त्म करता है, दैट द गुड रिलेशन विद द लॉर्ड फेलो बींग के लोगों के साथ और अपने साथियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। ब्यूटीफुल एंड यूजफुल थिंग कीप्स अ पर्सन लाइफ, खूबसूरत और जो है फ़ायदेमंद चीज़ें एक इंसान को जो है जिंदा रखती हैं। एंड टर्न दिस वर्ल्ड इन टू द अर्दली पैराडाइज, और हम इस दुनिया की जो है जन्नत को इन रिलेशन के साथ जो है खूबसूरत कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स विच इज़ इंक्लूडेड आवर पोएम। सो वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द क्वेश्चन हैव बीन गिवन अ कलर टू द रेड कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द पोएट सेज आई एम द शैडो ऑफ द शैडो दैट फॉलो अ चाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि जब ए शायर कहता है कि मैं इस बच्चे का साया हूँ जो उसको फॉलो करता है, पैरवी करता है, इसका जवाब ये होगा अ चाइल्ड इज यूजली प्लेफुल लवली एंड फ्री, एक बच्चा जो है बहुत प्लेफुल होता है, खूबसूरत होता है और फ्री ऑफ टेंशन होता है। ही ऑलवेज इन्जॉय प्योर प्लेयर्स, वो हमेशा अच्छी खुशियों को जो है लुत्फ उठाता है। द शेडो हेयर स्टैंड फॉर एन इमेज, यहाँ पे इमेज के तौर पर शेडो यूज हुआ है। द लाइन सजेस्ट द पोएट्स प्योर प्लेयर, हमें ये लाइन ये तजवीज़ देती है कि जिस तरह पोएट के जिस तरह बच्चे के ख्वाब जो है ना बहुत प्योर होते हैं, इसी तरह पोएट भी जो है उसके ख्वाब भी बहुत प्योर हैं। हाउ एंड द क्रस्ट ऑफ ग्लिटर, कैसे जो है वो जो क्रस्ट होती है वो ग्लिटर, हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ स्नो बी ग्लिटर सी आई हैव मिस्ड बाई टाइपिंग टाइपो। द बीम ऑफ द लाइट ऑफ अपॉन द क्रस्ट ऑफ स्नो, जब सूरज की जो है किरणें जो है बर्फ़ की चोटी पे पड़ती हैं, दे रिफ्लेक्ट एंड स्नो बिगेन टू शाइन, वो मुनक्किस होती है और ये जो है वो जो बर्फ़ होती है चमकना शुरू कर देती है, तो इसलिए जो है उसको हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ द पोएट, शायर का जो है वो क्या ख्वाब है। ड्रीम इज़ अ ब्यूटी बियॉन्ड रियलिटी, खूबसूरत ड्रीम जो होते हैं वो बहुत खूबसूरती रियलिटी से बहुत खूबसूरत होते हैं। व्हेन द पोएट से दैट ही इज़ द ड्रीम ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, या पोएट ये कहता है कि वो तमाम खूबसूरत चीज़ों का जो है वो एक ख्वाब है। ही प्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल लवली थिंग्स एंड नेचर, वो अपने आप को जो है सारी खूबसूरत चीज़ों को हिस्सा समझता है और नेचर का जो है अपने आप को हिस्सा समझता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ मैन गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स, अगर इंसान के जो है क्या असरात होते हैं जब वो लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात रखता है, उसकी रिलेशन दुनिया के लोगों के साथ अच्छी होती है। टू हैव गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ मैन बिकम हैप्पी, इंसान जो है बहुत खुश हो जाता है अगर उनके इंसानों के साथ रिलेशन है। His life become beautiful, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देयर, what are the things that keep a person alive, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान को जो है ज़िंदा रखती हैं। A person's good relation with the earth, एक आदमी की अच्छे ताल्लुकात ज़मीन के साथ, its lord उसके लोगों के साथ, and beautiful fruitful thing keeps him a person alive, अगर आपके लोगों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं उससे आप फ़ायदा दे रहे हैं या आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ये चीज़ किसी भी इंसान को जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार रखती है और खुश रखती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट आर टू वर्ड्स विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड, पुरउम्मीदी और नाउम्मीदी जो है वो दो लफ्ज़ हैं जो किसी भी इंसान के जहनत के बारे में बताते हैं। ऑफ अ पर्सन हु इज़ होपफुल एंड अनदर हु इज़ डिसअपियर, एक जो है हेल्पफुल है होपफुल है और दूसरा जो है मायूस है। कैन यू टेल विच ऑफ टू स्टेट्स ऑफ माइंड गो विद द पोएम, क्या आप हमें बता सकते हैं इनमें से कौन सी जो स्टेट ऑफ माइंड है इस पोएम के अंदर है। पेसिमिस्ट लुक द डार्क एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, जो नाउमीद आदमी होता है वो हमेशा जो है हमेशा वो बुरे एस्पेक्ट देखता है। वाइल ऑप्टिमिस्ट लुक लाइक अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, जबकि पुरउम्मीद जो होता है वो बहुत अच्छे असरात देखता है किसी भी चीज़ के बारे में। पोएट इज़ हैप्पी इन द पोएम, सो वी कैन से दैट शायर बहुत ज़्यादा खुश है, हम ये कह सकते हैं। द पोएट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्ट, हम ये कह सकते हैं कि पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद है, पेसिमिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन योर ओपिनियन इन अ फ्यू सेंटेंस,
चंद सेंटेंस के अंदर जो है अपनी राय लिखें बेसिंग ऑन द थीम ऑफ द पोएम, जो इस पोएम का जो है थीम को नज़र करें। मैन शुड हैप्पी एंड ग्लैड वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, इंसान को जो है खुश रहना चाहिए हालात वाक़ात जैसे भी हों। मैन शुड इन्जॉय द नेचर एंड प्लेजर ऑफ नेचर, इंसान को जो है फितरत की खुशियों को इन्जॉय करना चाहिए और नेचर को इन्जॉय करना चाहिए। ही शुड हैव अ गुड रिलेशन विद द पीपल ऑफ अर्थ, उसको जो है ज़मीन के लोगों के साथ उसके बहुत अच्छे तालुकात होने चाहिए, क्योंकि लोग ही क्या है कि खुशियाँ और गम में आपके शरीक होते हैं, इसलिए उनके साथ अच्छी रिलेशन होनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन, इफ़ यू हैव अ गुड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस चैनल, यू मे आल्सो राइट मी, यू मे आल्सो सेंड मी एन ईमेल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड एज वेल एज फॉर योर रिप्लाई, एंड एट द एंड I may personally be requested to subscribe my channel so that you can receive my all videos on daily basis. Thank you so much. Assalamu alaikum.